And are you here? Inform all the other students to join us because we have only 11 students right now. So inform all of them to join us. अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं थोड़ी देर में। ठीक है, ओके जी। सो लेट्स, आज मैं आपके साथ कोर्स कंटेंट्स शेयर करूंगा हमारे सिलेबस की कि क्या क्या कोर्स कंटेंट्स है और क्या आप पढ़ेंगे। तो एज लेवल बायोलॉजी का पहली बात तो ये है कि इसका कोड क्या है। आप लोगों का माइक अगर काम कर रहा है तो काइंडली चैट के बजाय मुझे माइक में जवाब दिया करें, क्या कोड है एज लेवल बायोलॉजी का? 9700। शाबाश, गुड। 9700 इज योर न्यू बायोलॉजी कोड फॉर एयर्स लेवल। और इस कोर्स कंटेंट्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि हम बायोलॉजी के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इनके पेपर्स का लेआउट बता दिया था कि टोटल 5 पेपर होते हैं, 3 एएस के अंदर, 2 ए2 के अंदर। और हर पेपर का आपको वेटेज भी बता दिया था और इनकी इम्पोर्टेंस भी बताई थी और कुछ एग्जाम्स के टिप्स भी बता दिए थे। होपफुली आप लोगों को याद होगा। और आज हम कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक पढ़ते हैं कि आप इस पूरे एज लेवल में क्या क्या पढ़ेंगे। सो लेट्स सी कि वो क्या क्या टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। तो कोर्स कंटेंट्स पे हमारा जो पहला चैप्टर होगा, बड़ा कॉमन चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, सेल स्ट्रक्चर भी है और माइक्रोस्कोपी भी है। सेल स्ट्रक्चर में आप बेसिकली बहुत डिटेल में जाएंगे, ये वो वाला चैप्टर नहीं है जैसे कि आपने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था। सेल स्ट्रक्चर में हम पूरे सेल की अंदर जो जितने भी ऑर्गेनेल है सब की हम तकरीबन डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियोलस, ये सारे हम पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनकी जो डायमीटर्स है वो याद रखेंगे, इसके कितने मेम्ब्रेन्स हैं, दो है या एक है या है ही नहीं, ये सारी चीजें, और इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि सेल्स की कितनी किस्में होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स वी हैव। लाइक जैसे कि आप ओ लेवल में पढ़ा था कि प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है, यहाँ हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की बात करेंगे, टू डिफरेंट ब्रॉड क्लासेस ऑफ सेल्स है। इसके साथ साथ हम माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स है और इसका ताल्लुक प्रैक्टिकल से भी है और थ्योरी पेपर से भी है। इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह हम एक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालते हैं या किस तरह रिजोल्यूशन निकालते हैं, और बेसिकली मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन में क्या फर्क होता है, और किस तरह एक माइक्रोस्कोप के अंदर हम कैलिब्रेशन करते हैं, डायग्राम स्लाइड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये तकरीबन 3 हफ्ते का कोर्स है, 3 वीक्स तकरीबन मिनिमम ये टाइम लेगा। कॉम्प्रहेंसिवली हम सारे ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया आपका पहला चैप्टर। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो पेपर 1 होता है
उसके अंदर इसके कम से कम 5 से 6 MCQs लाजमी आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पेपर वन में 40 MCQs होते हैं उसमें सिर्फ इस चैप्टर से 6 या 5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 MCQs आते हैं। अगरचे पेपर टू में इसका इतना रोल नहीं है लेकिन पेपर वन में इसके अच्छे खासे MCQs आते हैं। इस चैप्टर के हमने MCQs कंपाइल किए हैं, आपको MCQs की एक छोटी सी बुकलेट मिलेगी जिसमें कम से कम मोर देन 300 MCQs होंगे फ्रॉम 2002 से लेके आज तक, और इनके आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के मुतालिक पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे आप लोगों ने ओ लेवल के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह। तो यहाँ पर भी हम कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें फैट्स है और जिसमें वाटर है और कुछ मिनरल्स भी हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जिसका हमारे जिंदगी में, हमारे मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी फॉर्मेशन, उनकी डाइजेशन, उनकी केमिकल फॉर्मूला और उनके डिफरेंट इम्पोर्टेंस वगैरह हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये भी बड़ा चैप्टर है, टाइम लेगा। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का मतलब है कि हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन नहीं है, प्लूरल है, यानी सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन है उनका स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, टोनोप्लास्ट हो गया जो कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये जितने मेम्ब्रेन है इनका तकरीबन स्ट्रक्चर कॉमन है, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत कॉम्पोजिशन का फर्क होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फिर सिर्फ मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि मेम्ब्रेन के इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी पढ़ेंगे। यानी फंक्शन से मुराद ये है, आप समझ रहे होंगे कि इसका मेम्ब्रेन के फंक्शन से क्या मुराद है। मेम्ब्रेन के फंक्शन से ये मुराद है कि मेम्ब्रेन क्या क्या रोल प्ले करते हैं, यानी इनका काम जो है वो ऑस्मोसिस के अंदर कैसा है, या इसके अंदर सेल टू सेल रिकॉग्निशन क्या है, इसके अंदर रिसेप्टर है, एंटीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसका पार्ट है। अच्छा, इसी तरह फिर हम एक और चीज की तरफ आएंगे। इसी चैप्टर के भी दो हिस्से हैं, जिस तरह पहले चैप्टर के दो हिस्से थे इसके भी दो हिस्से हैं। तो पहले हिस्से में तो हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फंक्शन और इम्पोर्टेंस बताएंगे। फिर हम सेलुलर ट्रांसपोर्ट का जिक्र करेंगे। सेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें 4 प्रोसेसेस है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक और है जो कि नया है आपके लोगों के लिए, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट की 2 किस्में होती है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो आ रहा है कॉमन चैप्टर है और अपने ओ लेवल के अंदर भी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, दैट इज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स हमारा चौथा चैप्टर है, और लेकिन ये एंजाइम का चैप्टर आपके ओ लेवल के एंजाइम से बहुत डिफरेंट है। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें को एंजाइम्स, को फैक्टर्स, इसके अलावा इनहिबिटर्स जो एंजाइम के ऑपोजिट होते हैं यानी रिएक्शन को स्लो करते हैं या रोकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हम इनहिबिटर्स के डिफरेंट किस्में पढ़ेंगे, इसके अलावा किस तरह एक्टिवेशन एनर्जी कम ज्यादा करता है, या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, लॉक एंड की मॉडल क्या है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आ रहा है वो है जेनेटिक कंट्रोल। तो इसके नाम से जाहिर है कि इसका ताल्लुक डीएनए के साथ है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, इस चैप्टर की भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हम पढ़ेंगे क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर को कलेक्टिवली हम कहते हैं जेनेटिक कंट्रोल। तो बेटा जेनेटिक कंट्रोल कोई अलग चैप्टर नहीं है, बल्कि इसी चैप्टर का दूसरा नाम है,
लेकिन इसके अंदर दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है जो पहला पार्ट है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये दोनों जेनेटिक कंट्रोल में आते हैं और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पेपर टू में भी है और पेपर वन में भी है, तो दोनों में इसकी इम्पोर्टेंसेस होती है। अच्छा इसके बाद, अच्छा यहाँ तक हमारी नॉर्मली क्या होता है कि मिड ईयर का एग्जाम करीब आता है जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस की, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम एक चैप्टर और पढ़ें मिड ईयर तक पहुँचते हुए। और अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल यानी माइटोसिस, हम अगला जो टॉपिक है उसके अंदर एक सेल की पूरी स्टोरी है कि उसके अंदर किस तरह एक सेल तकसीम होता है, उसके डिफरेंट फेजेस है जिसपे प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज वगैरह सेल्स के मुख्तलिफ डायग्राम बनते हैं कि इसके क्रोमोसोम सब कंडेंस हो गए, अब ये ब्रेक हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, और किस तरह इसके अंदर टीलोमर्स क्या होते हैं, बहुत सारी बातें इसके अंदर भी है। छोटा चैप्टर ये भी नहीं है, लंबा चैप्टर है। तो बहरहाल ये जो आपके सामने सात लिखे हैं, सात तो नहीं है, ये छह चैप्टर्स है बेसिकली, ये हमारा मिड ईयर का कंप्लीट कोर्स है, यानी आपका जो मिड ईयर का पेपर आएगा वो इन सिक्स चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है बेटा, सो उसके बाद हम मूव करते हैं आपके इस तरफ फाइनल टर्म की तरफ जो कि जनवरी में शुरू होता है यूजुअली। तो वहां पर हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा गैसेस एक्सचेंज, यानी इसके अंदर जो चीजें हैं, एक तो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का जिसमें आप इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन वगैरह ट्रैक किया, और इसके अलावा जो है ब्रोंकस, ब्रोंकाए, एल्विलॉय, ये सारी चीजें आप इसकी पूरी हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, सारा सब कुछ पढ़ते हैं। और नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिकल के स्लाइड आते हैं, ज्यादातर जो स्लाइड होता है या तो इस चैप्टर से आता है या फिर हार्ट वाले से आता है, जो हम स्लाइड ऑब्जर्व करते हैं तो स्लाइड या तो एल्विलॉय का होता है या ब्रोंकस का होता है या कार्टिलेज का होता है। तो गैसेस एक्सचेंज के अंदर भी हम काफी, ये बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर छोटा है, लेकिन ये किसको कॉम्प्रेहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो है आपका फेवरेट चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमारा चैप्टर है और इसके अंदर फिर वही लॉस जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपायरेशन वगैरह, लीफ का स्ट्रक्चर, जाइलम फ्लोएम वगैरह, और डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, इससे भी प्रैक्टिकल में सवाल आते हैं, नॉर्मली स्लाइड आते हैं, सो दिस इज अनदर टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की तरफ जिसमें आपका हार्ट आता है, ब्लड आता है, और आर्टरीज और वेन्स आते हैं, ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, और जनाब ECG वगैरह, ये सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। इट्स अ बिट यू नो इट्स लाइक समवट इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इसको पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि अब आप 5-10% डॉक्टर बन गए हो। तो इसके अंदर क्योंकि ए लेवल की जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है इसमें बहुत एडवांस चीजें हैं, इसमें आपका ECG का जो पूरा प्रोसीजर है, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ECG पढ़ना सीख लेंगे। किसी का अगर ECG देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि इसके ECG नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बाद फिर अगला टॉपिक है हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है क्योंकि आपने शायद ओ लेवल में नहीं पढ़ा है। तो इन्फेक्शियस डिजीज में हम नॉर्मली 6 डिजीजेस पढ़ते हैं, 6 बीमारियां हैं जिसके हम ये पढ़ेंगे कि इस बीमारी की कॉज क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होती है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोक्टेस्ट है, फंगस है, क्या है, किसकी वजह से होता है। अच्छा फिर हम ये पढ़ते हैं कि इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, यानी कब कितनी देर बाद इसके असरात आते हैं, इसका जो पेंडेमिक है या पेंडेमिक नहीं है, या वर्ल्ड वाइड डिजीज है या किसी एक कंट्री की बीमारी है, कब वर्ल्ड में आया था, कितने लोग इससे मारे थे, किस तरह इसको इरेडिकेट किया गया। तो 6 बीमारियों में से कौन कौन से हैं, एक है कॉलरा, कॉलरा के बाद टीबी, टीबी के बाद मलेरिया, मलेरिया के बाद एड्स, एड्स के बाद जो है स्मॉल पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स के बाद एक और आती है मीजल।
तो ये छह बीमारियां हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फिर हम एंटीबायोटिक्स भी पढ़ते हैं इसके अंदर कि एंटीबायोटिक्स क्या चीज है और क्यों वायरस पे इसका असर नहीं होता। सो दैट्स द इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसमें शायद अगले साल या इस साल हो सकते हैं कि ये जो कोरोना है जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो फिर ये भी शामिल हो जाएगा इस इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक इज द immunity. It's a very interesting chapter, and this is also for the first time in which you have to study about the immunity, that is the resistance against diseases. So ye jo aapke samne slide bane hain ye aapka pura course hai. Ek minute ka main gap le raha hu, aap logo ne agar kuch mujhse share karne hai, kuch cheez puchni hai in topics ke hawale se, ya jo aapke zehen mein ghoom raha hai koi baat ho to please ask me. जी बेटा सब समझ आ गया? ये इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है अलिशवा? आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है इन सब में? वालेकुम सलाम। सर मुझे जो है ट्रांसपोर्ट एनिमल्स और जेनेटिक कंट्रोल। ओह गुड। अच्छा ये दो टॉपिक वैसे भी है भी बड़े, इनका है भी बड़ा क्या है, वेटेज है पेपर टू में। और आपको पता है कि पेपर टू का सबसे ज्यादा वेटेज होता है 46%। और ये दोनों टॉपिक मेजर है, लेकिन इसके साथ वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है उसका भी बड़ा रोल है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आप लोगों को ज्यादा बोरिंग लग रहा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अल्लाह अकबर यार, पता नहीं क्यों ये बच्चे ज्यादातर इसी टॉपिक का नाम लेते हैं। जब भी मैं पूछता हूँ वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स बोरिंग है। ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स इतना बोरिंग नहीं है, बड़ा अच्छा टॉपिक है अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस कर दें। और आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है। और आपको एक बार बताऊं कि एग्जामिनर को सबसे ज्यादा पसंद यही टॉपिक है, क्योंकि जब आप पेपर टू खोलते हो तो पहला क्वेश्चन ही ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स से होता है। सो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस चैप्टर्स वेरी वेल। ठीक है तो चले जी, ये हमारा हो गया लेआउट, कोर्स कंटेंट्स हो गए, और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं और आज अपनी पहली क्लास से आगाज करते हैं। पहले चैप्टर से सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी को शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सो आर यू पीपल रेडी बेटा, शुरू कर लें? यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी दैट्स गुड। तो ठीक है, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ये सामने मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, ये भी जरा याद रखिएगा। एडवांस लेवल बायोलॉजी बाय मैरी जोन्स, जो कि फोर्थ एडिशन होगा, और एडवांस लेवल बायोलॉजी बाय सॉपर। तो ये दो बुक्स है, एक तो आपका जो है वो टेक्स्ट बुक है जो कॉलेज भी लाना होगा या आप घर में इसे पढ़ेंगे, जो कि मैरी जोन वाली बुक है। और सॉपर वाली जो बुक है वो रेफरेंस बुक है, बड़ी मोटी सी बुक है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारा सब कुछ नहीं पढ़ना, उसके अंदर रेफरेंसेस बहुत है और बहुत अच्छी बुक है। तो जो सॉपर पढ़ता है उसका हमेशा ग्रेड जो है वो ए आता है। तो ये दोनों बुक्स आपने परचेज करने होंगे। मैरी जोन्स तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन जो सॉपर की बुक है ये आपको शायद उर्दू बाजार से मिल जाए, ओरिजिनल कॉपी तो नहीं मिलती, टू मच एक्सपेंसिव बुक, लेकिन ये कि आपको पायरेट कॉपी या ओल्ड पुरानी कोई बुक आपको मिल जाएगी, अबाउट 1500 के करीब मिल जाएगी आपको। तो पहली फुर्सत में आप ये दोनों बुक्स जो है वो अपने पास रख दीजिएगा, बाकी जो नोट्स वगैरह है वो तो हम कॉलेज से आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? चलिए जी तो अब हम चलते हैं। ठीक है तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, और आज का टॉपिक हमारा है सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपी।
चले जी, तो सबसे कि मैं इस सेल को एक्सप्लेन कर दूं, मैं आप में से पूछूंगा बच्चों से, अफाफ एहसन बताओ कि इस तरह सेल को कैसे डिफाइन कर दूं, आप कैसे समझते हैं सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, गुड, अच्छी बात है. अलिशबा थोड़ा इसको और मेकअप शेकअप कराओ इस डेफिनेशन को. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के अलावा और क्या कहते हैं? सर, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. अलिशबा ने इसके अंदर एक बात और ऐड कर दी. तो जैसे अफाफ ने कहा कि इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और अलिशबा ने कहा इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस पे मजीद कुछ कहना चाहे? शाबाश, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा. जरूरी नहीं है, जो आपके जहन में आइडिया हो शेयर किया करें. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लिविंग मैटर. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द लिविंग मैटर, नॉट बैड. बिल्कुल ठीक है, ये भी अच्छी बात आपने कही. अ स्मॉल कंपार्टमेंट वेयर द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज कैरीड आउट. वाओ भाई, ये भाई, ये तो भाई आपने सुफियाना अंदाज में जवाब दिया इसका, बिल्कुल अच्छी बात ही. अच्छा, तो ठीक है, सारी बातें ठीक है आप लोगों की, बस मैं थोड़ा सा इसको मजीद फर्दर एलाबोरेट कर रहा हूँ. एक नई डेफिनेशन जो आपने एलिवर्स में इसको याद रखना है. ये मलिहा कह रही है कि कंटेंट्स फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स. बिल्कुल ठीक है बेटा, ये सारी बातें आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी जवाब दिए. बट मैं आज आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे पहली बात अफाफ ने कही कि इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, यूनिट ऑफ लाइफ. तो पहले मैं यूनिट की बात करूँ कि यूनिट कहते किस चीज को है. हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज को मेजर करना हो ना बेटा, मेजरमेंट करनी हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो इसके लिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. मसलन आप कहते हैं ये भारी है या हल्का है. अगर अगर मास को आप कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट क्या होता है? ग्राम या मिलीग्राम या जो भी है, ये इसका यूनिट होता है. डिस्टेंस को मेजर करते हो तो आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर, ये सारी यूनिट है. इसी तरह अगर आप लाइफ को मेजर करते हो, जिंदगी को मेजर करते हो कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो यहाँ सेल एज अ यूनिट इस्तेमाल होता है. अगर आप कहते हैं कि यूनिसेलुलर तो सामने वाला खुद ब खुद समझ जाता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है. लेकिन अगर आप कहते हैं मल्टी सेलुलर तो आगे वाला समझता है कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, या तो वो प्लांट है या एनिमल है, वो उसके बाद की बातें होती है. तो वैसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो सेल है वो हमारे पूरी बॉडी का एक यूनिट है. यानी यूनिट का मतलब होता है कि एक सेल, अगर आप एक बॉडी का स्टडी करते हैं तो आपके बॉडी में जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, करोड़ों खरबों सेल्स है, सारे सेल उस एक सेल की कॉपियां होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है. उसका जो डीएनए है वो हर सेल में वही डीएनए होता है, क्योंकि हम लोग माइटोसिस से बने हैं, आइडेंटिकल सेल्स होते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि सेल इज द यूनिट ऑफ आवर लाइफ. लेकिन अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई. अब अगर मैं आफाफ से फिर पूछूं कि आपने कहा कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है, तो बेटा ये कौन सा यूनिट है? क्या ये स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल यूनिट है? ये हमारी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है या हमारी फंक्शन को डिफाइन करता है? आफाफ, जी आफाफ, क्या ये हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन बताता है या फंक्शनल? बोथ. शाबाश, बहुत. इसका मतलब है तो आप अपनी डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करके बताओ. अगर आप कहते हैं कि बहुत, तो किस तरह डिफाइन करोगे? जो हमें मॉडर्न डेफिनेशन मिली वो क्या मिली? शाबाश. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल. बिल्कुल ठीक है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब स्ट्रक्चर की मैं मिसाल दूंगा. लेट सपोज कीजिएगा आपके बॉडी का एक सेल है जो कि मसल का सेल है, आपके बॉडी का एक सेल है जो आपके नेल्स का सेल है, आपके बॉडी का एक सेल है जो आपके हेयर का सेल है. क्या ये सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं या फंक्शन बना रहे हैं? आपकी बॉडी के मसल्स, आपकी बॉडी के नेल्स, आपकी बॉडी के हेयर्स, आपकी बॉडी के टेंडन, कार्टिलेज, बोन्स,
ये सारी क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स है। तो आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें चूंकि सेल से बने हैं इसलिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेल है जिसका नाम है RBC, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल का मेजर रोल क्या है, स्ट्रक्चरल या फंक्शन अलिशबा? सर, RBCs are used for they supply oxygen in our body and they also make up blood. They are both. So what is its major role? Its ka major role kya hua? Structural hua ya functional hua? Agar ye oxygen ko carry karta hai puri body mein. Sir, major role, I guess it's functional हुआ, क्योंकि अगर किसी के बॉडी के, अगर किसी आदमी की बॉडी से अगर 8, 10 या 15 या 100 या 1000 या 10,000 RBC के मॉलिक्यूल कम भी की जाए तो क्या बजाहिर उसके बॉडी के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो तो इसका रोल क्या है, इसका रोल फंक्शनल है। तो हम कहते हैं कि जैसे व्हाइट ब्लड सेल है स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द बॉडी, रेड ब्लड सेल है कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये फंक्शनल रोल है। लेकिन जैसे मैंने बाकी बता दिए, मसल्स, बोन, कार्टिलेज, ये स्ट्रक्चरल रोल है। तो होपफुली यू हैव गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सो सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। स्ट्रक्चरली इट इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Each and every part of our body is made up of cells in the form of tissues. तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जो बना है वो चूंकि सेल से बना है इसलिए हम कहते हैं कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल है। Functionally, it plays many roles like transport of oxygen by red blood cells, defense by white blood cells, etc. ओके जी, द एंटायर सेल इज कंसिडर्ड एज प्रोटोप्लाज्म। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा ओ लेवल में, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली एंटायर सेल को कहते हैं, पूरे सेल को हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें DNA शामिल है, इसमें साइटोप्लाज्म शामिल है, इसमें सारे ऑर्गेनेल शामिल है। बेटा जो लिविंग पार्ट है यानी सेल है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल ऐसा है कि जिसमें प्रोटोप्लाज्म के अलावा एक नॉन लिविंग सब्सटेंस भी होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वो नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल, गुड। सेल वॉल इज डेड, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज प्रोटोप्लाज्म बिकॉज इट डज नॉट पोजेस लाइफ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइफ, so it is very difficult to define life. हम life को define नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि any substance which possess protoplasm, it must possess life. अगर किसी में protoplasm होगा तो उसमें life जरूर होगी। So any substance which possesses protoplasm must possesses life. अच्छा जी, अब आ गई एक बड़ी बात। Cells may be classified as prokaryotic and eukaryotic. O level में आपने classification इस तरह की थी कि cells may be plant cell and animal cell. लेकिन AS level में अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि prokaryotic cell और eukaryotic cell. इस universe पे cells की दो बड़े किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं prokaryotic cell और एक को कहते हैं eukaryotic cell. बेटा pro का मतलब होता है primitive, ancient, बहुत पुराना, जो सबसे पहले discover किया गया था। और का मतलब होता है यूकैरियोटिक, मतलब ट्रू, द ट्रू सब्सटेंस, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो, रियल सब्सटेंस हो। तो हमारे दुनिया में इस वक्त जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो फंजाई है, चाहे वो एल्जी है, चाहे वो प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, जितने भी है, ये सारे के सारे जो सेल से बने होते हैं वो सेल कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। हमारा सेल भी यूकैरियोटिक है, ट्रू सेल है। तो फिर प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जितने भी बैक्टीरिया है दुनिया में वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक है। सो ऑल बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स।
and the rest of the organism in this universe are eukaryotic. All cells, including plants and animal cells, are eukaryotic. All bacteria belong to prokaryotic cell. बेटा ये समझ आ गया पूरा? अगले स्लाइड पर मैं जाऊंगा, पहले इस स्लाइड को अच्छी तरह देखिएगा और समझ लीजिएगा कि इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं है। तो हमने सेल्स के मुतालिक कुछ बुनियादी बातें पढ़ी, हमने सेल्स की दो किस्मों के मुतालिक बता दिया आपको, हमने प्रोटोप्लाज्म का जिक्र भी किया, और अब हम ये बता रहे हैं कि दो तरह की जो सेल्स होते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। अब इससे पहले कि हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान डिफरेंस देखें, पहले हम यूकैरियोटिक सेल्स को आपस में कंपेयर करें। मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल प्लांट का भी यूकैरियोटिक सेल है और एनिमल का भी यूकैरियोटिक सेल है। तो पहले हम प्लांट और एनिमल सेल को, यानी यूकैरियोटिक को ही आपस में कंपेयर करेंगे, बाद में फिर हम जाके यूकैरियोटिक सेल को एक प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल सेल्स का जिक्र हो रहा है, दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग इन बोथ द थिंग व्हिच मेक देम डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर। Both plant and animal cell have almost the same structures and features with few differences that can be summarized as follow. To plant or animal cells ke darmiyan kya major differences hai usko main thoda sa summarize karne ja raha hu. Pehla difference, plant cells do not contain centriole. Centriole beta ek organelle hai jisko hum detail mein aage ja ke padhenge. तो सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं करता। इसका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल्स प्ले इट्स रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं है तो क्या वहां सेल डिवीजन नहीं होगी या होगी? क्या कहते हो, कौन बताएगा? प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन होगी या नहीं होगी अगर सेंट्रियोल गायब है? शाबाश, कौन बताएगा? सही है। सॉरी, न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट ना, सो हां ये तो सिर्फ हेल्प करता है ना, सेंट्रियोल ओनली हेल्प्स, इट ट्रिगर्स इन सेल डिवीजन। बिल्कुल ठीक है बेटा। तो अगर सेंट्रियोल हेल्प करता है तो इसका मतलब है प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल के बजाय कोई और ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सेंट्रियोल का काम पूरा करेगा। तो मतलब ये है कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंट है। दोनों की फिजियोलॉजी अलग अलग है। प्लांट सेल अलग तरीके से डिवाइड होता है और एनिमल सेल अलग तरह से डिवाइड होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ऑर्गेनेल्स का फर्क है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सेंट्रियोल्स प्ले इट्स रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट मींस देयर मस्ट बी स्लाइट डिफरेंस इन द फिजियोलॉजी ऑफ सेल साइकिल बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये सेंटेंस समझ में आ गया कि दोनों के सेल डिवीजन में फर्क होगा। तो एक तो हो गया पहला बुनियादी फर्क सेंट्रियोल का। दूसरा डिफरेंस, In addition to cell surface membrane, plant cells contain cell wall. Cell wall is dead in nature, and unlike membrane, it is totally permeable to allow molecules and ions across it. यार जब ये dead है ना, तो जब dead होगा तो फिर ये कैसे molecules को ऊपर selection कर सकता है? Selection के लिए तो membrane को जिंदा होना चाहिए ताकि ये वो डिफरेंशिएट कर सके कि किस पार्टिकल को जाना है, किसको रोकना है। लेकिन चूंकि ये डेड है इसलिए ये किसी मॉलिक्यूल को या किसी आयन को रोक नहीं सकता। इसके अंदर बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इसलिए हर एक पार्टिकल सेल वॉल से पास हो सकता है। अच्छा जी, फिर सेल वॉल बना किस चीज से है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है जिसका नाम है सेल्यूलोज। आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की तीन किस्में होती हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो बेटा सेल्युलोज जो है इट इज अ पॉलीसेकेराइड
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये सेल वॉल को बनाता है, और सेल वॉल जो है वो टोटली परमीएबल होता है अनलाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो डिफरेंसेस आ गए, सेंट्रियोल का मौजूद होना और सेंट्रियोल का गायब होना पहला डिफरेंस, सेल वॉल का मौजूद होना सेल वॉल का गायब होना, और सेल वॉल के मुतालिक बताना कि सेल वॉल जो है वो टोटली परमीएबल होता है, हर एक आयन और पार्टिकल को पास करने में हेल्प कर रहा होता है। सेल वॉल का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? सेल वॉल गिव्स द सेल अ डेफिनेट शेप, ऑफ कोर्स एक खास शेप प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटन है, बोन्स है, इस बोन और स्केलेटन की वजह से हमारी एक शेप बनती है। इसी तरह प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग व्हेन वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, अलाउइंग लार्ज प्रेशर टू डेवलप इनसाइड द सेल। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। आप एक फुटबॉल की मिसाल लें, फुटबॉल जो है उसके अंदर ट्यूब होती है और उस ट्यूब के ऊपर एक बहुत हार्ड कवर होता है, तो जब हम ट्यूब में हवा भरते हैं इतनी हवा भरते हैं कि वो जो बाहर वाला कवर है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, और फुटबॉल के अंदर इतना ज्यादा हवा का प्रेशर होता है कि अगर ये पंक्चर हो जाए तो बाकायदा आवाज आना शुरू हो जाए एयर निकालने की। इसी तरह जो सेल वॉल है, इसका जो सेल प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसको आप ऐसे ले लो जैसे कि फुटबॉल का बाहर वाला कवर, और इसके ट्यूब को ऐसे ले लो जैसे कि सेल में बाकी पूरा सेल, और हवा को ऐसे ले लो जैसे कि पानी। तो इसके अंदर वाटर आता है जबकि फुटबॉल में तो एयर होती है, तो इसमें इतना सारा पानी अंदर आता है कि पानी जो सेल जो वैक्यूल होता है वो इतना सारा पानी स्टोर करता है कि जो वैक्यूल का टोनोप्लास्ट है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि मेम्ब्रेन बिल्कुल सेल वॉल के साथ स्ट्रेच हो जाती है और पूरा का पूरा सेल जो है वो स्वेल अप हो जाता है। अब जाहिर सी बात है वो इतना स्वेल अप है तो किस वजह से है? ज्यादा प्रेशर की वजह से है। इस प्रेशर को हम कहते हैं नॉर्मली टर्जर प्रेशर। तो ये टर्जिडिटी या टर्जर प्रेशर को मेंटेन कर उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर प्रॉपर्टी है, और इसी प्रेशर की वजह से आप देख सकते हैं कि प्लांट्स की बॉडी हार्ड होती है। आप अपनी बॉडी को टच करके देखो और आप प्लांट की बॉडी को टच करके देखो, बहुत फर्क होता है, क्योंकि एक तो प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे सेल वॉल की मौजूदगी है, टर्जर प्रेशर है, इसके अलावा उसके अंदर लेगनिन वगैरह भी होते हैं जो जाइलम की दीवारों में मौजूद होती है, इससे प्लांट का बहुत हार्ड होता है। 30 सेकंड का गैप ले रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। तो तीन प्रॉपर्टीज आपने पढ़े, पहला प्रॉपर्टी क्या था, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, दूसरा क्या पढ़ा आपने, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सॉरी दो पढ़े हैं, और तीसरे पॉइंट में आपने सेल वॉल की इंपॉर्टेंस की बात की, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडिस्माटा, एक नया पॉइंट आया है, शायद आप एज लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो में ही पढ़ा होगा। Plasmodesmata is another key feature of plant cells. These are fine strands of cytoplasm pass through pore-like structure in the cell wall of adjacent plant cells to connect their cytoplasm. Beta Plasmodesmata do neighbor plant cell, aise plant cell jiske cell wall joint hote hain aapas mein, kareeb wale cell, to unke jo cell wall hai usme aar paar pore hota hai, चैनल होता है, पोर होता है, और उस पोर के थ्रू दोनों सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो कॉमन होते हैं, यानी एक सेल का मेम्ब्रेन, एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होके दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है सेल्स अलग अलग है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का एक ही होता है और साइटोप्लाज्म दोनों का डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ, फिर शायद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये है प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर।
आप देख सकते हैं ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट, ये तीसरा, तीन प्लांट सेल है। और आप जहां मैं कर्सर रख रहा हूँ वहां देखिएगा, ये देखिए यहाँ फोर मौजूद है। ये जो डार्क ग्रीन पार्ट है थिक, ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल यहाँ पे इंटरप्टेड है और दोनों के सेल वॉल के बीच में एक होल सा बना हुआ है, एक चैनल है। ये चैनल कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो येलो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है। इसका मतलब है इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म दोनों डायरेक्टली कॉमन है। सेल मेम्ब्रेन आपको इसलिए नजर नहीं आ रही, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ग्रीन पार्ट है, जो सेल वॉल है, इसका जो इनर लेयर है जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक लाइन नजर आ रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि इस इतना ज्यादा प्रेशर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के साथ चिपक गया है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यू आया, देखो यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है, यू फोल्ड होके यू जा रहा है, यू जा रहा है, यू फोल्ड होके यू जा रहा है। तो एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो तीन सेल्स हुआ है, जिसके वजह से इनका साइटोप्लाज्म डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो जो साइटोप्लाज्म की डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होती है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े चैनल्स होते हैं। इसलिए साइटोप्लाज्म से अगर कोई बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, तो वो डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। अब चूंकि एनिमल सेल के अंदर काफी ज्यादा सिलेक्शन होती है पार्टिकल्स के ऊपर, चेक एंड बैलेंस होता है, हर पार्टिकल पास नहीं होता, इसलिए वहाँ प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होती। और यहाँ जो कि इतनी जरूरी नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है एटीपी, जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो एनिमल सेल में एटीपी एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा सकती, क्योंकि हर सेल अपने एटीपी खुद बनाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में एक सेल के एटीपी दूसरे सेल्स के में जा सकते हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। बेटा ये नई चीज है, आप किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, समझ रहे हो प्लाज्मोडेस्माटा का? जी जहांजेब अली खान सर, इफ फॉर इंस्टेंस एक सेल वीकेंड है और उसमें एक फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है, तो सर इस कनेक्शन के थ्रू वो सेल पेनिट्रेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई बैक्टीरिया इस तरह इन्वेड करने लगे तो इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस हो सकता है? बेटा पहली बात तो यह है कि जो आप व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं वो आप एनिमल सेल्स की तरफ जा रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है। तो प्लांट सेल के अंदर पहली बात तो यह है कि कोई फेगोसाइटोसिस का या इस तरह बैक्टीरिया के इनकल्फिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसका मैकेनिज्म एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लांट सेल एक खास किस्म के हॉर्मोन्स बनाते हैं इंटरनली, जो कि फंगस वगैरह के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए वो इनकल्फिंग वगैरह कर नहीं सकते। मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझ रहे हैं। Yes sir, thank you. Okay, चलिए जी, please down your hand so that मुझे पता चले कि कोई और students हाथ उठाते हैं तो ठीक है, thank you. तो ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। आज आगे जाते हैं next slide की तरफ। अच्छा जी, अगला difference क्या है? Mature plant cells often possess a large and permanent central vacuole. आप O level में पढ़ते थे कि plant cell के अंदर एक बड़ा vacuole होता है जिसको हम sap vacuole के नाम से जानते हैं, और ये जो vacuole है ये permanent होता है। लेकिन यहाँ मैंने बेटा शुरू में एक word लिखा है mature plant cell। जरूरी नहीं है कि vacuole हर cell में हो, बहुत सारे यंग सेल होते हैं प्लांट के जो अभी डेवलप होने जा रहे होते हैं, तो उसमें वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल के लिए जरूरी है कि वो प्लांट सेल जो है वो मैच्योर हो चुका हो, फुली मैच्योर सेल हो। इसलिए ए लेवल में एग्जामिनर आप एक एक सेंटेंस पे गौर करता है, आप जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे बल्कि प्रिसाइज बात करोगे और टू द पॉइंट बात करोगे। तो ऑल प्लांट सेल्स डू नॉट कंटेन लार्ज वैक्यूल, ओनली द मैच्योर प्लांट सेल्स कंटेन द vacuole, and vacuole is usually large vacuole are usually present absent in animal cell. The plant vacuole is surrounded by a membrane which is called the tonoplast, which controls exchange between the vacuole and the cytoplasm. तो प्लांट सेल के अंदर चूंकि वैक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, तो अब जो वैक्यूल के अंदर कंटेंट्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट्स होते हैं उनमें फर्क होता है। इसलिए फर्क होता है कि कुछ चीजें वैक्यूल को क्रॉस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी बेटा।
मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा सॉरी, वो मेरा माइक थोड़ा सा गिर गया था। तो बेटा आप लोगों का टाइम भी हो चुका है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो देन इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।